गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। भी कल संडे था, मजे किए होंगे। चलिए आज हम हिंदी ग्रामर का एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि क्लास थर्ड के लिए है, भाषा। अब देखो, मम्मी बेटे को बोल रही है, बेटा रमन, क्या आपने कल के लिए बस्ता तैयार कर लिया? तो बेटे ने भी कहा, हाँ, मुझे सोमवार को स्कूल जाना है और जो सोमवार की समय सारणी है उसके अकॉर्डिंग मेरा बस्ता तैयार है। तो को देखो बेटा, मम्मी ने कोई बात बोली, मम्मी जो कहना चाह रही है वो रमन तक पहुंच गया और रमन ने भी मम्मी की बात को समझा और उसका रिप्लाई दिया। तो ये क्या है बेटा कि हम मम्मी को बोलते हैं हमें रोटी दो और मम्मी झटाक से हमें रोटी दे देती है। हम बोलेंगे दीदी पानी पिलाओ, दीदी समझ गई, पानी पिला दिया। तो क्या है बेटा, जो बात हम दूसरे को कहना चाहते हैं और दूसरा हमारी बात को समझ जाए, ये भाषा है। क्या है ये? भाषा। तो भाषा क्या चीज है बेटा? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, अर्थात हम जो भी कहना चाह रहे हैं हमारी बात अगले बंदे को समझ में आ जाती है। तो वो क्या है? भाषा। अब मैं बच्चों को बोलूं कि आप क्या कर रहे हो, आप बोलोगे हम तो आपकी वीडियो देख रहे हैं। तो मैंने जो जानना चाहा आपने मुझे उसका आंसर दिया। तो ये क्या है बेटा? ये भाषा है। अब भाषा, हम अपनी बात कैसे कैसे हम अपनी बात कहते हैं ये देखते हैं। हम अपनी बात कहने के लिए सबसे पहले देखो भाई, दादा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और पोता हंस रहा है। तो दादा क्या कर रहे हैं? खाली मुंह से बोल रहे हैं, बोल के अपनी बात कह रहे हैं और पोते को समझ में भी आ रही है, हाँ मेरे दादाजी क्या कह रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है बेटा? मौखिक, अर्थात जो बात हम अपने मुख से कहें, इसमें सिर्फ मुंह से ही बोला जाता है। वो बात कह रहा है और पोते को उसकी बात समझ में आ रही है। अब हम दूसरे वाली वीडियो देखते हैं। इस वाले में क्या है, दूसरे वाली सॉरी पिक में, दोनों बच्चे लिख रहे हैं, लिख कि मैम क्लास में कुछ बोल रही है और दे आर राइटिंग, वो लिख रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। कौन सा रूप है? लिखित। अब देखो भी, ये तो बोल रहे थे, ये लिख दे रहे थे। एक दिन मैं पापा के साथ गाड़ी में जा रहा और ये ट्रैफिक अंकल क्या कर रहे हैं भाई? ट्रैफिक पुलिस, ये तो हाथ कर रही है। तो ये कौन सी भाषा है? ये भी तो कुछ कह रहा है, इसने हाथ किया, इसने अपना हाथ ऐसे किया और सभी गाड़ियां रुक गई, और यहां से इसने हाथ हिलाया तो इधर की गाड़ियां चल पड़ी। तो ये कौन सी भाषा है? ये भी कुछ कह रहा है। देखो ये ना तो बोल रहा ना ये लिख रहा, तो इसने भी तो कुछ कहा। तो ये कौन सी भाषा है? सांकेतिक। कौन सी भाषा है? सांकेतिक, अर्थात भाषा के तीन रूप हैं। कौन कौन से? मौखिक, जो हम मुख से बोलते हैं, लिखित जिसमें लिखना होता है, और सांकेतिक मतलब जो बात इशारों से कही जाती है। इस तरह से भाषा, भाषा का मीनिंग समझ में आया ना बेटा, कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। और ये तीन तरह से हम कर सकते हैं। कौन सा? एक तो मुख से बोले, मौखिक, मुख मौखिक, लिखा लिखित, और थर्ड वन क्या है? संकेत दिया, इशारा किया, सांकेतिक। तो भाषा का ये रूप आपको समझ में आया बेटा? थैंक यू।